इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी सेवाएं, डिजिटल सेवाएं जो गवर्नमेंट द्वारा उनके नागरिकों के हित के लिए प्रदान कराई गई, जिनमें से सबसे पहली सर्विस है, सेवा है, वो है एमपी ऑनलाइन, जो कि एक ऐसी वेबसाइट के माध्यम से दी जाने वाली सुविधा है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के नागरिकों को मुहैया कराई जा रही है। एमपी ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को नागरिक तक प्रभावी रूप से पहुंचाने का एक सरल और सुरक्षित तरीका है। एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार की ई गवर्नेंस की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकार की विभागों की सेवाओं को सीधे आम नागरिकों को घर बैठे उपलब्ध कराना है। एमपी ऑनलाइन लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है, यानी कि एमपी ऑनलाइन सर्विस जो है वो टीसीएस यानी जिस कंपनी का फुल नेम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस द्वारा प्रदान कराई जाने वाली सेवा है। विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाएं को नागरिकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई सन 2006 में एमपी ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल का गठन किया गया था, यानी इसकी स्थापना सन 2006 जुलाई में की गई थी। समय के साथ साथ इसमें सेवाओं को जोड़ा जा रहा है, वह सेवाएं जो नागरिकों को घर बैठे उन्हीं के स्थान पर मौजूद कराई जा रही हैं इंटरनेट सुविधा के माध्यम से। मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रही है। समय के साथ साथ हर एक छोटे से छोटे जिले में भी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार सारी सुविधाएं नागरिकों तक हर एक छोटे से छोटे जिले तक पहुंचा रही है। इसके बाद है UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि एक आधार नंबर को लेकर जो पोर्टल बनाया गया है, जो अथॉरिटी है, जो बॉडी है इंडिया की, वो है UIDAI। नई दिल्ली में एक सरकारी एजेंसी है जो आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और कार्ड के लिए जारी करने वाला वाले प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। सरकार द्वारा आधार कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक बुनियाद ढांचे का विकास, पहचान और स्थापना के लिए एजेंसी अनिवार्य किया गया है। UIDAI की स्थापना सन 2009 में की गई थी, जो भारत के योजना आयोग के हिस्से के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्य एवं राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं और विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी संस्थाओं से बनी कई रजिस्ट्रार एजेंसियों की मदद से कार्ड जारी करती है, यानी कि यह बॉडी अपने अंदर प्राइवेट बॉडीज को भी काम देती है और सरकारी गवर्नमेंट बॉडी भी इससे जुड़ी हुई है। तीसरा है उमंग ऐप, यानी के ई गवर्नेंस केवल वेबसाइट के माध्यम से ही नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी ई गवर्नेंस जैसी सुविधा नागरिकों तक पहुंचाती है, जिनमें से एक है उमंग एप्लीकेशन। डिजिटल इंडिया के कदम को आगे बढ़ाने के लिए एक और पहल करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी ने साइबर स्पेस पर वैशेषिक सम्मेलन के पांचवें संस्करण में भारत के नागरिकों के लिए एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है उमंग। यह शब्द एक नए युग के शासन के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन के लिए लिया है। नई जनरेशन के लिए ये डिवोटेड है और ऐसी आशा है कि अभी तक कई सारी सुविधाएं उमंग ऐप के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं और समय के साथ इसमें और वृद्धि की जाने की आशंका है और उम्मीद है। और इसे ई गवर्नेंस बनाने के परिकल्पना की गई है,
जो सभी एंड्रॉइड मोबाइल फोन, आईओएस मोबाइल फोन, विंडोज डिवाइसेस उपयोगकर्ताओं और फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। ये एप्लीकेशन आपको सभी मोबाइल फोन, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फोन के लिए मौजूद है। गूगल यूजर्स ओ सॉरी एंड्रॉइड यूजर इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल यूजर इसे एप स्टोर, आईओएस स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक एप्लीकेशन है जो एक ही जगह पर 100 से अधिक केंद्र और राज्य सरकार की सेवाएं प्रदान करती है। इसे ऑल इन वन ऐप के का उपयोग करने करके आप केवल माउस क्लिक द्वारा सभी सरकारी संबंधित सेवाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी डिपार्टमेंटल, स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर रख दिया गया है। इसके लिए आपको अलग अलग जगह पर अप्रोच करने की, अलग अलग वेबसाइट्स पर, एप्स पर अप्रोच करने की भी कोई जरूरत नहीं है। यूजर्स 12 अलग अलग भाषाओं में ऐप को एक्सेस कर सकता है। इंग्लिश, हिंदी के अलावा कई सारी लैंग्वेजेस, कुल 12 लैंग्वेजेस को में ये एप्लीकेशन मौजूद है। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मुख्य लक्ष्य भारत के नागरिकों को ऑनलाइन कुछ भी करने की अनुमति देना है। बस एक क्लिक पर यह पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड बनाना, गैस सिलेंडर बुक करना, भविष्य निधि खाते के बारे में जानना या आधार से संबंधित समाधान करता है। अब आगे बढ़ते हैं डिजिटल लॉकर के बारे में। डिजिटल लॉकर यानी कि सबसे पहले बात की जाए लॉकर की, तो लॉकर हम लोगों को पहले बैंक में मौजूद होते थे, जिसमें हम अपने कुछ जरूरी सामान, दस्तावेज को एक सुरक्षित हाथों में सौंप सकते थे। तो वैसे ही आज हम हमारे पास कई सारे दस्तावेज हैं, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट, ये सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो पन्ने के रूप में हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन पन्ना एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो समय के साथ खराब होने की संभावना बनी रहती है, खोने की संभावना बनी रहती है, जिसे साथ में लेकर डेली चल पाना आसान नहीं है। तो गवर्नमेंट द्वारा 1 जुलाई सन 2015 में नागरिकों को पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट और डिग्री प्रमाण पत्र जैसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज को डिजिटल रूप में संग्रहित करने में मदद करने के लिए डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की गई है। यानी आप अपने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्लाउड पर अपलोड कर सकते हैं और यह आपके साथ हमेशा डिजिटल के रूप में मौजूद रहेंगे। आप जस्ट लॉग इन करके उन्हें अपलोड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक्सेस भी कर सकते हैं। यह सुविधा पाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड का नंबर डालकर आप डिजिटल लॉकर अकाउंट आसानी से खोल सकते हैं। डिजिटल लॉकर भारत सरकार का एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट है, जहां आप अपने दस्तावेज, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट और डिग्री प्रमाण पत्र मुफ्त में अपलोड कर सकते हैं। आपको अपने सभी दस्तावेज के लिए 1 GB का फ्री स्पेस मौजूद होगा। यदि कम पड़ता है तो आप आगे प्लान परचेज भी कर सकते हैं। हालांकि 1 GB स्पेस डॉक्यूमेंट के लिहाज से सफिशियंट नहीं कह सकते, ये ज्यादा ही है। मूल रूप से यह एक भौतिक लॉकर की तरह है, जहां आप अपने आभूषण और दस्तावेजों को संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप अपने ऑर्नामेंट्स नहीं रख सकते हैं। ये डिजिटल लॉकर है, इसमें आप सॉफ्ट कॉपी में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। डिजिटल लाइब्रेरी एक पुस्तकालय है जिसमें डाटा डिजिटल स्वरूप के प्रिंट फॉर्मेट को एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में रखा जाता है और कंप्यूटर द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि ऐसी किताबें, ज्यादा मात्रा में किताबें जो आपको हार्ड कॉपी में ना मिलते हुए सॉफ्ट कॉपी में मौजूद रहेंगी। कंटेंट को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है और दुरुस्त रूप से एक्सेस भी किया जा सकता है। इसके फायदे जानते हैं तो हमें डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में और ज्यादा समझ में आएगा।
डिजिटल लाइब्रेरी, उपयोगकर्ता को फिजिकल रूप से लाइब्रेरी में जाने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया भर के लोग इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से डिजिटल लाइब्रेरी को प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी बुक पढ़ने के लिए किसी भी लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट के माध्यम से ही आप बुक्स को रीड कर सकते हैं और कभी भी आपको वैकेंट होने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो सभी के लिए एक समान मौजूद रहेगी। डिजिटल लाइब्रेरी को कभी भी दिन के 24 घंटे साल के 365 दिन में एक्सेस किया जा सकता है, ये 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। एक ही रिसोर्स का उपयोग एक ही समय में कई उपयोगकर्ता द्वारा किया जा सकता है, यानी पहले एक बुक एक व्यक्ति को इश्यू होती थी, फिर हमें इंतजार करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक ही तरह की बुक कई सारे उपयोगकर्ता के साथ शेयर की जा सकती है। पारंपरिक लाइब्रेरी स्टोर में स्टोरेज में स्पेस द्वारा सीमित है, डिजिटल लाइब्रेरी में बहुत अधिक जानकारी स्टोर करने की क्षमता होती है, क्योंकि डिजिटल जानकारी के लिए उन्हें रखने के लिए बहुत कम फिजिकल स्थान की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पर आपको फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सेटअप जमाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही आपकी टेक्स्ट बुक्स को अपलोड की करी हुई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं। एक विशेष डिजिटल लाइब्रेरी अन्य डिजिटल लाइब्रेरी से किसी भी अन्य रिसोर्स को बहुत आसानी से लिंक प्रदान करती है, यानी एक लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरी के साथ अपने लिंक्स को शेयर कर सकती है, आप इजीली एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी में स्विच हो सकते हैं। एक डिजिटल लाइब्रेरी को बनाए रखने की लागत पारंपरिक लाइब्रेरी की तुलना में बहुत कम है, एक पारंपरिक पुस्तकालय को कर्मचारी के लिए भुगतान करने, पुस्तक रख रखाव किराए, अतिरिक्त पुस्तकों के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी, डिजिटल लाइब्रेरी की इन फीसों को दूर करती है। पहले के जमाने में लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए स्टाफ की जरूरत पड़ती थी, इसके बाद नया एडिशंस लाने के लिए हमको अलग अमाउंट पे करना पड़ता था, उसमें लागत कई ज्यादा होती थी, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी में हमें इतना कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है। और एक हिडन फीचर जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो यह है कि यहाँ पर पेपर की खपत काफी कम होती है, जिस कारण से कई हद तक यह एक बहुत बड़ी पहल है पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि जितनी पेपर की खपत कम होगी उतने ही ज्यादा पेड़ों को कम काटा जाएगा, तो कई हद तक डिजिटल लाइब्रेरी को अपनाना चाहिए और इससे पर्यावरण को भी हम फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने बात की ई गवर्नेंस को लेकर, गवर्नमेंट द्वारा यूजर नागरिकों को प्रदान की गई कुछ वेब सर्विसेज और कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस जो कि नागरिक के हित में है।